कहते हैं माँ हमेशा ऊंचे स्थानों पर विराजमान होती हैं। उत्तर में जैसे लोग माँ दुर्गा के दर्शन के लिए पहाड़ों को पार करते हुए वैष्णो देवी तक पहुँचते हैं, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी 1063 सीढ़ियां लांघकर माता के दर्शन करने जाते हैं। सतना जिले की मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का मंदिर कहा जाता है। मैहर का मतलब है माँ का हार। मैहर नगरी से 5 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत पर माता शारदा देवी का वास है। पर्वत की चोटी के मध्य में ही शारदा माता का मंदिर है। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। इसी पर्वत की चोटी पर माता के साथ ही श्रीकाल भैरवी भगवान, हनुमान जी, देवी काली, दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेव और जलापा देवी की भी पूजा की जाती है। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार अल्हा और उदल जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था, वे भी शारदा माता के बड़े भक्त हुआ करते थे। इन दोनों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद अल्हा ने इस मंदिर में 12 सालों तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद दिया था। अल्हा माता को शारदा माई कह कर पुकारा करता था। तभी से ये मंदिर भी माता शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले अल्हा और उदय ही करते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है जिसे अल्हा तालाब कहा जाता है। यही नहीं, तालाब से 2 किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ अल्हा और उदल कुश्ती लड़ा करते थे। माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती शिव से विवाह करना चाहती थी। उनकी ये इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। वे शिव को भूतों और घोरियों का साथी मानते थे। फिर भी सती ने अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया। शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती इससे बहुत आहत हुई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ भी सती के अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव जी को फिर से पति रूप में प्राप्त किया। माना जाता है कि यह माँ का हार गिरा था। हालांकि सतना का मैहर मंदिर शक्तिपीठ नहीं है, फिर भी लोगों की आस्था इतनी अडिग है कि यहाँ सालों से माता के दर्शन के लिए भक्तों का रेला लगा रहता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं-10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। शारदा देवी का मंदिर सिर्फ आस्था और धर्म के नजरिए से खास नहीं है, इस मंदिर का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। मूर्ति पर देवनागरी लिपि में शिलालेख भी अंकित है। इसमें बताया गया है कि सरस्वती के पुत्र दामोदर ही कलयुग के व्यास मुनि कहे जाएंगे। दुनिया के जाने माने इतिहासकार एक अनिगम ने इस मंदिर पर विस्तार से शोध किया है। इस मंदिर में प्राचीन काल से ही बलि देने की प्रथा चली आ रही थी, लेकिन 1922 में सतना के राजा ब्रजनाथ जुदेव ने पशु बलि को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। राजधानी दिल्ली से मैहर तक की सड़क से दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है। ट्रेन से पहुंचने के लिए महाकौशल व रीवा एक्सप्रेस उपयुक्त है। दिल्ली से चलने वाली महाकौशल एक्सप्रेस सीधे मैहर ही पहुँचती है। स्टेशन से उतरने के बाद किसी धर्मशाला या होटल में थोड़ा विश्राम करने के बाद चढ़ाई आरंभ की जा सकती है। रीवा एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले भक्तजनों को मझगांवा पर उतरना चाहिए। वहां से मैहर लगभग 15 किलोमीटर दूर है। त्रिकूट पर्वत पर मैहर देवी का मंदिर भूतलल से 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक जाने वाले मार्ग में 300 फीट तक की यात्रा गाड़ी से भी की जा सकती है। मैहर देवी माँ शारदा तक पहुँचने की यात्रा को 4 खंडों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम खंड की यात्रा में 480 सीढ़ियों को पार करना होता है। मंदिर के सबसे निकट त्रिकूट पर्वत से सटा मंगल निकेतन बिड़ला धर्मशाला है। इसके पास से ही ये जी नदी बहती है।
द्वितीय खंड 228 सीढ़ियों का है। इस यात्रा खंड में पानी व अन्य पेय पदार्थों का प्रबंध है। यहाँ पर आदेश्वरी माई का प्राचीन मंदिर है। यात्रा के तृतीय खंड में 147 सीढ़ियाँ हैं। चौथे और अंतिम खंड में 196 सीढ़ियाँ पार करनी होती हैं। तब माँ शारदा का मंदिर आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।